नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में टोटल जो हड्डियाँ होती हैं बहुत ही, ऑप्शन बी 206। अगला है, स्पेक्ट्रम के सात रंगों में से सबसे अधिक तरंग दर्द किसकी है? तो ये होती है ऑप्शन बी रेड, या कह सकते हैं लाल। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके संदर्भ में संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन बी सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए। सौरमंडल की जो आकृति है वो कैसी है? तो गाइस आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन सी मरकरी, या कह सकते हैं पारा, जिसका सिंबल होता है HG। प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है? तो ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने बेध दिया है और उसकी प्राण शक्ति को छीन कर दिया, उपरोक्त कथन किस लेखक का है? ऑप्शन बी DH बुकानन। भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? तो ऑप्शन सी वर्ष 1975 में शामिल हुआ था। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? तो ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ओजोन परत किन कौन सी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो ऑप्शन डी पराबैंगनी। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ऑक्साइड। कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? तो ऑप्शन बी हार्मोन। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड NaCl। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो ऑप्शन ए उसका आकार बढ़ेगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधु नदी। भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा। पहला है जनता के पास करेंसी, जनता की मांग की राशि, चौथा है RBI में अन्य जमा राशि। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? ऑप्शन डी 2θ होगा। वर्ष 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो ऑप्शन डी आयन मंडल, आयनोस्फीयर। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिमी घाट।
पश्चिमी घाट। अगला है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1934। कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो ऑप्शन ए हीरे से कांच में जाता है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आर्यु विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता है? ऑप्शन डी सुश्रुत। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो ऑप्शन सी भरहुत मूर्तिकला। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? ऑप्शन सी जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इलाहाबाद संधि से संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी मुगल बादशाह ने हर्जाने के रूप में अंग्रेजों को 20 लाख रुपए दिए। ये गलत है, बाकी के तीन सही हैं। जैसे कि इलाहाबाद कला और उसके आसपास के इलाके मुगल बादशाह को दे दिए गए, और बी है मुगल बादशाह ने बंगाल बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया, और सी है अंग्रेजों ने हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को मुगल बादशाह के जागीर के रूप में प्राप्त किया। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ऑप्शन बी मत मयूर। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान। 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने किस स्थान को जीतने के पश्चात उसका नाम अली नगर रख दिया था? तो कलकत्ता। नवंबर 1946 में बीआर अंबेडकर संविधान सभा के लिए कहां से निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन बी बंगाल। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे किन रोगों के होने की संभावना है? तो फ्लू ओरिसिस के। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? ऑप्शन डी आलू। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? ऑप्शन सी रस खान। निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? ऑप्शन बी दुर्गेश नंदिनी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो ऑप्शन सी सोडियम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ऑप्शन सी महात्मा गांधी। महादेव गोविंद रानाडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया? ऑप्शन ए 1883 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1889 ईस्वी में। लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था?
महात्मा गांधी ने। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? तो 3 जून 1947। अगला है सुमेलित करना है कूट के माध्यम से, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला है मेगा फूड पार्क, ये हो जाएगा 2008। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, इसका हो जाएगा 2015। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये हो जाएगा 2016। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? ऑप्शन बी डुप्ले। अगला है प्लासी के युद्ध से संबंधित, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और चौथा। पहला कहता है इस युद्ध में नवाब की ओर से मीर जाफर तथा राय दुर्लभ की सेनाओं ने भाग नहीं लिया, और दूसरा है नवाब की ओर से मोहनलाल व मीर मर्दान के अधीनता वाली एक छोटी सेना ने ही युद्ध में भाग लिया, और चौथा है इस युद्ध में नवाब के 500 लोग मारे गए। द अनार्किकल एंड रिव्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या क्या कहा जाता था? तो रॉलेट एक्ट। निम्न में से कौन सी घटना बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जानी जाती है? तो 1760 ईस्वी में मीर कासिम का नवाब बनना। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी? तो साफ सुथरा प्रशासन हेतु। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।